गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो फाइनली सिनेमैटिक बाइक एंट्री विद स्पेशल इफेक्ट इसका ट्यूटोरियल वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस दिखा रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप से आपको अपनी वीडियोस को शूट कर लेना है विद स्लो मोशन। तो आपके मोबाइल में स्लो मोशन सपोर्ट होना चाहिए। मैंने अपनी इस वीडियो को 240 FPS पर शूट किया था। तो जिन लोगों के मोबाइल में स्लो मोशन सपोर्ट नहीं है या फिर कैमरे में स्लो मोशन सपोर्ट नहीं है DSLR वगैरह में, तो आप अपनी वीडियो को 60 FPS पर भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद आप स्लो मोशन इफेक्ट डाल सकते हैं एडिटिंग में। तो यहाँ पे मैं तो सारा काम मोबाइल से ही करता हूँ, आप लोगों को जैसे पता है। तो अगर आप लोग नए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज लाता रहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय PDF एलिमेंट प्रो फ्रॉम वंडरशेयर। ये एप्लीकेशन दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इसे मैक पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और विंडोज़ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप PDF फाइल को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे लाइन पैराग्राफ सभी कुछ वहाँ पे आपको मिल जाता है। टेक्स्ट को बड़ा करने का, छोटा करने का, टेक्स्ट कलर चेंज करने का, करेक्टर स्पेसिंग का भी ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाता है। और साथ में आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट की इमेजेस भी एडिट कर सकते हैं, जैसे कि JPEG, PNG, GIF एंड मैनी मोर। इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे इजीली फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं विद टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड ड्रॉप डाउन्स। और ये एप्लीकेशन बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ OCR भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब फीचर के साथ आप यहाँ पे PDF फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, JPEG, PNG एंड एटसेट्रा। और साथ में ये आपको एक ही PDF फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव करने का भी एक्सेस देता है। तो आप अपनी एक फाइल को PDF फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपनी PDF फाइल को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं विद एडवांस इनक्रिप्शन लेवल। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांस फीचर आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा ये ऑल इन वन PDF एलिमेंट प्रो है। तो आप इसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने इसकी डाउनलोडिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अलग अलग डायरेक्शन में वीडियो को शूट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले अपने मोबाइल की गैलरी में ही आपको स्लो मोशन इफेक्ट लगा लेना है जहाँ पर आपको स्लो मोशन चाहिए। उसके बाद आपको सारी वीडियोज़ को सेव कर देना है। तो अब आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नेम है KineMaster। इसकी डाउनलोडिंग लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो KineMaster एप्लीकेशन ओपन करने के बाद अगर आप अपनी वीडियो को 60 या फिर 240 FPS पर शूट किया है, तो आपको इसकी एडवांस सेटिंग में जाकर 60 एंड 240 FPS वाला ऑप्शन जो है उसे इनेबल कर देना है। और फिर न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी आपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड किया उन्हें आपको इम्पोर्ट कर लेना है मीडिया ब्राउज़र में जाके। वीडियोस को इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको सारी वीडियोस को म्यूट कर देना है। तो अब जो यहाँ पे दूसरा मेन काम है वो है आपका म्यूज़िक। आपके म्यूज़िक के साथ जो वीडियो के फ्रेम चेंज होते हैं आपको वैसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आप म्यूज़िक को भी इंपोर्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको म्यूज़िक बीट को कैच करना है और देखना है कहाँ पे आपका जो बेस इफेक्ट आ रहा है, उसके बाद ही आपका जो वीडियो फ्रेम है वो चेंज हो जाना चाहिए, यानी जो आपका दूसरा डायरेक्शन है वो आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके आप सही से सुन लीजिए म्यूज़िक को, जैसे ही आपका बेस इफेक्ट आ रहा है वैसे ही आपका फ्रेम चेंज होना चाहिए। यहाँ पे एक मेन चीज़ आती है जो कि वीडियो के इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपकी वीडियो एकदम फास्ट से फिर एकदम स्लो हो जाती है, वहाँ पर आपको क्या करना है। तो वैसे हम नॉर्मली शूट करते हैं, हमारी वीडियो नॉर्मल शूट होती है उसके बाद स्लो में हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर स्लो में होने वाली होती है वहाँ तक वीडियो को ट्रिम कर लेना है और बाकी का जो उससे पहले का पार्ट है उसे आपको फुल स्पीड में कर देना, जितनी भी आपके KineMaster में स्पीड दिखा रहा है।
तो ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ चाहिए आपकी वीडियो में सुपर फास्ट एंड स्लो मोशन इफेक्ट लगा लीजिए। वीडियो को पहले आप बीच में से ट्रिम कीजिए यानी स्प्लिट कीजिए, उसके बाद आपकी वीडियो को स्पीड को कंट्रोल कर लेना है और यहाँ पे फास्ट या फिर स्लो मोशन इफेक्ट लगा लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सही से देख लीजिए मैं क्या क्या यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो फ्रेम को बीट के हिसाब से चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आप वीडियो में आपको कलर ग्रेडिंग कर लेना है। और कलर ग्रेडिंग की वीडियो मैं आपको पहले ही बना के दे चुका हूं, तो मैं आपको इस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे जाके देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कलर ग्रेडिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट में बांटा है, कलर ग्रेडिंग में और एडिटिंग में और फिर दूसरा स्पेशल इफेक्ट में। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हमारा जो बीट के साथ साथ वीडियो सिंक हो रही, जो स्पेशल इफेक्ट आ रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अभी आप देख सकते हैं वीडियो हमारी पूरी तैयार हो चुकी है, बस इसमें स्पेशल इफेक्ट नहीं लगे हैं। तो इतना करने के बाद आपको इस वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना है, क्योंकि सेव करने के बाद ही स्पेशल इफेक्ट लगेगा, आप इस प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते। तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको इसमें स्पेशल इफेक्ट कैसे लगाना है।